Sita Dana, President Christian Community Women's Wing, Mrs. Thiring Yangdo, Vice President LBA Women's Wing. Welcome you all to GPL on the occasion of unveiling and distribution of sanitary pad dispenser box to all the units of district police. Ma'am, we have prepared the sanitary box, vending box in GPL itself through our carpenter and have procured the sanitary pads from the women self-help group of NRLM. Therefore, this initiative is as sustainable as our effort to make the place a gender neutral and a gender inclusive workplace. Now, most of you must be thinking, why a simple box, which is just a mechanical box without any technological innovation? Is around 600 plus with strong men and women, in which 30%, that is one third, consists of the women police force in district police wing. And presently, the women police personnel are present in all the police units, including the remote police posts such as Chushul, Panamik, etc. Menstruation, being a natural biological phenomenon in women, is not talked much about in the public spaces, resulting as such that the care and hygiene awareness part is often neglected. Ladies and gentlemen, we are happy to announce that the free sanitary pad boxes containing the sanitary napkins that have been procured from the local self-help groups, that is the CHAN organization, would be kept at all the police stations, the police post and offices for the use of women police personnel and for the complainants and civilians as well who visit these places. The boxes are designed in such a way that any user can take out a napkin from the given slot, and neither any charges have to be paid for it, nor any questions will be asked for its use. ये जो इनिशिएटिव लिया है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, वैसे तो हम सब जेंडर इक्वेलिटी पे हम बात करते हैं, और जब काम करने पे आए तो ज्यादातर हो नहीं पाते हैं। मैं समझती हूँ आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ये कर दिखाया है कि जेंडर इक्वेलिटी क्या होता है। महिलाओं को भी एक जरूरत कुछ होते हैं, तो उनमें से उन्होंने ये जो सैनिटरी पैड जो है हर यूनिट पे रखने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अफसरान को बहुत दिल व जान से बहुत ही शुक्रगुजार करती हूँ। आपके हर यूनिट में ये बॉक्स जो रखेंगे तो मैं समझती हूँ महिलाएं जिसको भी जरूरत हो पैड्स, आजकल जो सैनिटरी पैड्स, पहले जमाने में लोग क्या करते हैं, महिलाएं कपड़े लेके रीयूज करते हैं दो के, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। मैं खुला बोल देती हूँ यहाँ पे, पहले जमाने में हम कपड़ा यूज करते थे, आजकल जो सैनिटरी पैड है वो नया हमें यूज करने को मिलता है, तो अभी हमें ऐसा महसूस होता है कि लड़कियों को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हम कहीं भी पुलिस स्टेशन के यूनिट में जाके हम चेंज कर सकते हैं। तो जो भी भरना होगा इसमें से भर के उनको धन्यवाद, क्योंकि
इससे अच्छा गिफ्ट वुमेन को हो नहीं सकता। ये एक बायोलॉजिकल जरूरत है और इसमें शर्म तो होता था जब हमारी लाइफ स्टाइल फर्क होती थी। ज्यादातर औरतें घर में रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी, फिर भी उनको काफी कुछ सहूलियत दी जाती थी उस समय भी, तो घर के मेनफोक और घर के फैमिली मेंबर को पता होता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, सिविलाइजेशन आया, हमारे ऊपर अटैक्स हुए, उससे हमारे जो भी कस्टम्स थे, जो भी तरीके थे, वो सब बदल गए। उसके बदलने के साथ में ज्यादा हमें इसके प्रति ज्यादा ही सेंसिटिविटी हो गई कि हम लड़कियां हैं, हम किसी को बोलेंगे नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। इसकी इम्पोर्टेंस आज इतनी ज्यादा क्यों है, उसके दो रीजन हैं। एक तो हर क्षेत्र में लड़कियां और लड़के एक तरह का कार्य करते हैं, तो जब एक तरह का कार्य करते हैं तो उनकी जरूरतें भी उसी तरह से पूरी होनी चाहिए। और जिस तरह से मोदी जी के आह्वान पर हमें उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए एवरी डे, क्योंकि उनके वजह से जगह जगह शौचालय बनाए गए, वो भी एक जरूरत, इंसान की जरूरत को समझ के। बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक छोटी सी बात जो हर इंसान की जरूरत है उसके बाद बारे में सोचा और हमें हर जगह शौचालय प्रोवाइड किया। इसके पहले हमें याद है जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, अगर कहीं ट्रेवल करते थे तो बहुत मुश्किल होता था कि हम किसी तरह से पता कर सके कि वॉशरूम कहाँ है। बहुत मुश्किल से मिलता था और बहुत डिफिकल्टी होती थी, स्पेशली लड़कियों को, वेमेन फोक को। उसकी वजह से हो गया। तो मेरा तो ये कहना होगा कि जितने भी शौचालय लेडीज के बनते हैं, उस समय उस जगहों पर भी ऐसे बॉक्स प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में आई एम श्योर यहाँ पे जिनके इनिशिएटिव से ये कार्य हुआ है वो इस पर भी विचार करेंगे, बीइंग एन एनजीओ, कि जहाँ भी शौचालय है, जहाँ भी विमेन को विजिट करना है, उन सब जगह पे ये अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है हाइजीन सैनिटेशन। हमारे लिए अगर ये जब नहीं होता था तो बहुत ही, इसका जैसे नाम है सैनिटरी टॉवल्स या सैनिटरी पैड्स, इट रीजन ही यही है कि ये सैनिटेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाइजीन सैनिटेशन नहीं होने की वजह से बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं बहुत तरह की बीमारियां पा जाती थी, जिनका कई बार शर्म के मारे वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाती थी। उस जमाने में इलाज असंभव होता था और अगर नहीं कहें तो बहुतों की मृत्यु भी हो जाती थी, क्योंकि वो छुपा छुपा के रखती थी, बताती नहीं थी कि उनको क्या बीमारी है। उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम था। तो इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है हाइजीन सैनिटेशन के लिए। प्लीज हु हैव शेयर देयर हार्टफेल्ट एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो ऑल द वंडरफुल परफॉर्मर्स टूडे, थैंक यू एंड अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम टूडे। I truly believe the sanitary napkin vending machine will not only help promote a gender inclusive workplace but also make police stations, police posts more accessible to the citizens. So it's a much larger cause. I congratulate SSP ma'am and the team for the vision and the efforts. Thank you again. फ्री सैनिटरी पैड डिस्पेंसर जो है वो लद्दाख पुलिस की ओर से लगाए जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? और सबसे ज़्यादा लड़कियों को शहरों में तो नहीं कहेंगे, गाँव में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, अवेयरनेस अभी भी बहुत कमी है, और किस तरह यूज़ करना है, डिस्पोज करना है, उसकी भी बड़ी प्रॉब्लम्स देखी जाती है। तो इस इनिशिएटिव से क्या जो है नए और अवेयरनेस कैसे दे पाएंगे लद्दाख पुलिस? ये लद्दाख पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस लेकर एक इनिशिएटिव था। ये सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ में जो ऑफिसर्स थे हर लेवल के, हमने बैठ के इस पर एक बार सोचा था कि जो मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है उस पर ज़्यादा बात नहीं होती है, एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस ले जिसमें 1/3 ऑफ माय ऑफिसर्स आर वुमेन, ऑफिशियल्स आर वुमेन, तो हर जगह थाने चौकियों में ड्यूटी करते टाइम में वुमेन पुलिस की भागीदारी बहुत ज़्यादा होती है। तो इनिशियली ये हमने स्टार्ट किया था वुमेन पुलिस पर्सनल के लिए कि हम इसको पुलिस यूनिट्स में अलग अलग, चाहे वो एक पुलिस स्टेशन हो, पुलिस पोस्ट हो, ऑफिस हो, जो भी पुलिस का महकमा है जो 12 महीनों खुले रहते हैं और ऑफिस या पुलिस स्टेशन के नीड के हिसाब से खुले रहते हैं, वहाँ पे हम ये रखेंगे। एंड जब ये हम आइडिया डिस्कस कर रहे थे तो धीरे धीरे यही चीज़ आई कि देर आर मैनी वुमेन कंप्लेनेंट्स ऑल्सो जो आते हैं, जैसे आपने कहा कि
शहरों में आते हैं, गांव में भी आते हैं, और गांव में विद रिलेशन टू द सैनिटरी नैपकिन यूज़ का अवेयरनेस बड़ा कम होता है। एंड वहाँ बड़ी झिझक भी होती है कि कुछ ही जगह या कोई मेडिकल शॉप में ही जाके वो खरीद सकते हैं। और इमरजेंसी के टाइम पे ये स्पेशली हमने डिज़ाइन किया है फॉर द टाइम्स जब इमरजेंसी हो और कोई और चारा ना हो, ना कोई दुकान खुली हो या दुकान बहुत दूर हो। सो एटलीस्ट वन थिंग द इवन द सिविलियन वुमेन फोक एंड द पुलिस पर्सनल ऑफ कोर्स विल हैव देयर इन द माइंड कि जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या चौकी थाना है वहाँ जाएंगे तो हमें उस इमरजेंसी टाइम के लिए हमें कम से कम काम चलाने के लिए तो पैड मिल जाएगा। सो ये इनिशिएटिव के ये सोच के साथ हमने ये चीज़ शुरू की है। इसके दो मकसद है, एक ये मेंस्ट्रुएशन टैबू को थोड़ा हम टैकल करें, इसके ऊपर खुल के हम बात करें, दिस इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। सेकेंड, जो पुलिस यूनिट्स हैं हमारे उसको जेंडर इंक्लूसिव बनाने के लिए, अगर कोई महिला आती है अपने कोई कंप्लेंट के साथ या फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट और फॉर अदर थिंग्स, एंड शी शुड फील कंफर्टेबल एंड वेलकम ऑल्सो। सो विथ सच इनिशिएटिव्स इट इज़ अ इट विल हैव अ वेरी इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑल्सो, बहुत सटल इफेक्ट भी होता है कि कोई एक प्लेस है जो वुमेन फ्रेंडली है जहाँ पर आप वेलकम किए जा सकते हो, और जो मेल काउंटर पार्ट है या मेल फोक्स हैं उनके भी दिमाग में ये रहेगा कि दिस इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग, एनीबडी हु वांट्स टू यूज़ इट फॉर इमरजेंसी कैन कम एंड टेक, एंड कोई फालतू के क्वेश्चंस नहीं इसमें पूछे जाएंगे या कुछ है। तो ये हमने अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखा है और ये हमने अपने पुलिस यूनिट्स में हमने रखा है, तो एक आने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो एक एनवायरनमेंट उनको वेलकमिंग लगे, और जो हमारी वुमेन पुलिस पर्सनल हैं उनको जब ज़रूरत हो वो इमीडिएटली दे कैन टेक हेल्प ऑफ दिस।